जहाँ तक सवाल राज्य की चुनाव परिणामों का है, आप सबके बीच में भी मैंने ये बात कही थी कि हम 2003 को 2023 में पुनरावृत्ति होते देख रहे हैं और वह परिणाम आज सामने है। मैं मां नर्मदा के चरणों में नमन करते हुए उनकी कृपा के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। दूसरी बात मैंने कही थी कि हम पांचों राज्यों में पिछले परिणाम से बेहतर परिणाम देंगे। भारतीय जनता पार्टी चार राज्यों में जो परफॉर्मेंस आया है उसके लिए मैं पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। जीत का श्रेय अगर मैं किसी को दूंगा तो सिर्फ मोदी का नाम का मैजिक है जिसने ये ऐतिहासिक विजय का मार्ग प्रशस्त किया है। उनके काम करने की प्रणाली, गरीब कल्याण के प्रति उनका संकल्प, मातृशक्ति के सशक्तिकरण के लिए जो उनकी निष्ठा है, आने वाली पीढ़ी का जीवन वर्तमान के पीढ़ी से बेहतर हो उसके लिए वो सोचते हैं, और साथ में देश की जो कृषि प्रधान व्यवस्था है उस सबके लिए उनको सम्मान मिले, साथ में उनके परिश्रम से पैदा हुई उपज का सही मूल्य मिले, ये काम मोदी जी ने करके दिखाया। लेकिन सर, भौतिक चीजें दुनिया में सुख और शांति नहीं देती, ये मोदी अच्छी तरह से जानते हैं, और उन्होंने इसलिए विकास के मॉडल में विरासत को सदैव साथ रखा है। कांग्रेस के साथ में अगर कोई अभिशाप है तो आजादी के 75 साल में कांग्रेस ने हमेशा विरासत के प्रति दुराग्रह रखा है। आज दुनिया अगर लोहा मान रही है मोदी जी के नेतृत्व का तो वो सिर्फ इसलिए कि उनकी विचार की निष्ठा ऐसी है जो शांति स्थापित करने के लिए है, वो दुनिया में परिवार को अपना कुटुंब मानने के लिए है। इस विचार की ताकत ने और विकास के मॉडल ने हमको वो भरोसा दिया है कि आज दुनिया में मोदी जी का नेतृत्व माना जाता है। हम भाग्यशाली।